यस फ्रेंड्स, सो मेरा कल इंटरव्यू हो चुका है, मेडिकली भी मैं फिट हूँ। मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दो भी FMC आना चाहते हैं अगले साल। तो मेन तुम लोगों का क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में सच्ची में मैं बताऊँ बहुत सिंपल होता है। मेन चीज़ होती है कि आप कितने कॉन्फिडेंस आंसर दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितनी जल्दी हम लोग उसका रिप्लाई दे रहे। थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए अपने शहर के बारे में, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। और मेन और जिस फील्ड में तुम्हारे मम्मी पापा हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बस यही रहता है। टॉपिक्स ऐसे मेरे से पूछने लगे वो लोग कि आप छोटे शहर से आते हैं तो आप छोटे शहर में क्या क्या आपने डेवलपमेंट देखा, इसके बारे में पूछने लगे। कि ये सिंपल से आर्मी में आना चाहते हो तो आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी के नेवी के और हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है, रैंकिंग सिस्टम कैसे है, कौन हाई होता है कौन लो होता है, ये पता थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल IAS लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, जी के हाई होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने शहर के बारे में बिल्कुल पढ़ के आए तभी आपका हो पाएगा, बिल्कुल आप एकदम ऑन द पॉइंट जी के आपका एकदम फुल टॉप हो तब जो हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको बस मेन होना चाहिए कि जो आपको पता है एकदम कॉन्फिडेंस आंसर दो, नहीं पता तो कॉन्फिडेंस से मना कर दो। मेन दिक्कत होती है मेडिकल वाले में, तो मेडिकल तुम लोग अपना देखना वेट, ओवर वेट ना हो और अंडर वेट भी ना हो। मेडिकल में अगर निकल गया फिर तुम लोग को पक्का है लगभग आना, तो पढ़ते रहो, अगले साल मिलते हैं, गुड लक हो जाएगा तुम लोग का बस।